सभी दर्शकों को हमारी ओर से नमस्ते। आयुष प्रोग्राम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, पिछले प्रोग्राम में डॉक्टर ईश शर्मा ने बात की थी कि डायबिटीज़ जो है, अगर इसका सही समय पर इलाज न करे तो ये घातक हो सकती है और इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डायबिटीज़ जो होता है मधुमेह, जिसे कहते हैं आयुर्वेदा में, ये एक इसमें क्या होता है, जो हमारा पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है। ये इंसुलिन के थ्रू ये ग्लूकोज जो हमारे शरीर में जाता है वो हमारे सेल्स में जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स उसी से मिलता है, सेल्स को पोषक तत्व यहीं से मिलता है, खून से। तो खून के वो जो इंसुलिन का जो मात्रा है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से जो ग्लूकोज जो रहता है हमारे खूनों में वो रह जाता है, वो जा नहीं पाता है। तो शरीर में या सेल्स में खाने के पोषण तत्वों की कमी हो जाती है। इस वजह से डायबिटीज़ हमें जब देखते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं, तो खून में चीनी बढ़ जाता है या ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो जाके पता चलता है कि हमें डायबिटीज़ हो गया। तो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस है इसके बारे में। तो चलिए हम आपको डॉक्टर ईश शर्मा जी से मिलाते हैं। और डॉक्टर जी, जिस तरह हमने बताया आपको पिछले प्रोग्राम में, डॉक्टर जी ने कहा था कि ये जो डायबिटीज़ है ये साइलेंट किलर की तरह है ये बीमारी। कई लोगों को इसके जो लक्षण है वो पता ही नहीं चलता है और बाद में लोगों को पता चलता है कि डायबिटीज़ है। तो ऐसा जो है, इस प्रोग्राम के ज़रिए डॉक्टर जी बताएंगे इसके लक्षण क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या है, और हम यही आशा करते हैं कि जो लोग डायबिटीज के पेशेंट है, इस प्रोग्राम से आप बहुत लाभ उठाएंगे, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और डॉक्टर की जो सलाह उसको आप फॉलो करें। डॉक्टर ईश शर्मा जी, आपका हम स्वागत करते हैं, हमारी ओर से नमस्कार। आज भी हम ये बीमारी जो है डायबिटीज़, इस पर हम बात करेंगे। पिछले एपिसोड में आपने बताया कि डायबिटीज़ बीमारी जो है ये, अगर सही समय पर इसका इलाज न किया जाए तो ये बहुत घातक ना हो सकती है, जिसने आपने बताया ये साइलेंट किलर है। तो डॉक्टर जी, आज हम ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ जो है जी अन्य बीमारियों से जो है ये ज़्यादा खतरनाक है। डायबिटीज़ क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं, डायबिटीज़ अगर हो गया तो आपको क्या लक्षण होंगे, लक्षण बड़े सिंपल होते हैं। आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको यूरिनेशन ज़्यादा आएगा और वीकनेस रहेगी। ये सिम्टम्स इतने खतरनाक नहीं हैं, यू कैन वेरी वेल टॉलरेट देम। आपको भूख ज़्यादा है तो आप खाना खा लेंगे, प्यास ज़्यादा है तो पानी पी लेंगे, तो क्या प्रॉब्लम है? और यूरिनेशन ज़्यादा है तो यू हैव गॉट अ वॉशरूम, आप जाके यू कैन रिलीज योर सेल्फ, तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जब ये डायबिटीज़ हल्के फुल्के सिम्टम्स के साथ में पेशेंट जो है इसे इग्नोर करता है, तभी ये बन जाती है, जैसा आपने बोला, साइलेंट किलर। और धीरे धीरे अंदर के ऑर्गन्स को डैमेज करते करते ये लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस पैदा करती है। ये किडनी फेल्योर का सबसे बड़ा कारण है, ये हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारण है, ये हाथों पैरों में ब्लड सप्लाई करके कम करके और पैरों को काटना तक पड़ जाता है, इसमें अंधेपन का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये रेटिना को ख़राब करती है, आँख के पर्दे को ख़राब करती है, नर्वस सिस्टम को गड़बड़ कर देती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करता और हमारे पैरों में ऐसे जख्म बन जाते हैं, डायबिटिक फुट, जो कि नर्वस इनकोऑर्डिनेशन की वजह से और एक्सेसिव शुगर की वजह से भर नहीं पाते, पैर काटने पड़ जाते हैं। और बहुत तरह की डिजीजेज में, इवन कैंसर्स में और कई जगह पर इसका इम्प्लीकेशन आ रहा है। तो अपने कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डायबिटीज़ जो है आज इतना बड़ा एक स्वरूप धारण कर चुकी है, जिसका कि इलाज सब लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी जैसा हम बात कर रहे थे कि इसके मेन कॉम्प्लिकेशंस कौन से हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक नेफ्रोपैथी और किडनी फेलियर। डायबिटीज़ धीरे धीरे जो है वो किडनी को ख़त्म करना स्टार्ट कर देता है। और डिपेंडिंग अपॉन योर शुगर कंट्रोल, अगर आपका शुगर कंट्रोल अच्छा है तो वो किडनी को ख़राब करने में 20 वर्ष भी लगा सकता है, 25 वर्ष भी लगा सकता है, और शायद आपकी किडनी कभी ख़राब ना भी हो, बिकॉज आपने शुगर को अच्छे से कंट्रोल किया। लेकिन जितना आपका कंट्रोल कम रहेगा, उतना जल्दी हो सकता है कि 5 साल में ही आपकी किडनी को बिल्कुल ख़त्म कर दे, दोनों किडनीज को। तो ये क्यों होता है? डायबिटीज़ के बारे में आयुर्वेद ने 10,000 वर्ष पहले क्या बोला कि प्रमेहो अनुषंगी नाम,
अनुषंगी नाम का मतलब है कि प्रमेह डायबिटीज कभी जाने के लिए नहीं आता, ये बहुत ही कंसिस्टेंट बीमारी है। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है कि एक एंटीबायोटिक खाया बैक्टीरिया मर गए इन्फेक्शन खत्म हो गया लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। इसको। हाँ जी, ये बीमारी आपको बहुत लंबी फाइट देती है, ये आप पर अटैक जारी रखती है, ये अटैक करना बंद नहीं करती। तो इसके लिए आपको एक दो गोली खा के, एक दो इलाज करा के, दो चार दिन का ट्रीटमेंट करा के आपका भला नहीं होने वाला, आपको लाइफ लॉन्ग इससे लड़ना पड़ेगा। उसका तरीका है अपनी जीवन शैली को बदलना, खान पान को बदलना। तो आपको हमेशा इस पे वॉच रखना पड़ेगा, और अगर आप वो वॉच रख लेते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका डाइट, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका मेडिकेशन, आपके डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक ठीक चलता है, तो अगर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है, देन ये कहते हैं डॉक्टर्स कि डायबिटीज़ इफ़ वेल कंट्रोल्ड देन यू आर ऑलमोस्ट इक्वल टू अ नॉन डायबिटिक। तो आप बिल्कुल जैसे आपको डायबिटीज़ है ही नहीं, ऐसा भी आप जीवन जी सकते हैं अगर आपका शुगर कंट्रोल अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप ये मान लें कि मेरा तो शुगर कंट्रोल कभी कभी ख़राब होता है, कभी ठीक होता है, तो एक ही बात है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें, देन इट विल टर्न इनटू अ साइलेंट किलर, एंड सबसे पहला ये अटैक करेगा आपके किडनी पे। डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए हम लोग आसन कर सकते हैं, और ये आसन काफ़ी कमाल के हैं। जो लोग इन आसनों को करते हैं उनको डायबिटीज़ की बीमारी होती ही नहीं है, और यदि हो गई है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला आसन है इसमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन, और ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन मेरे पास में काफ़ी दूर दूर से सीखने के लिए लोग आते हैं, तो कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो मैं आपके सामने बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना बायां पैर, इसको हमने ऐसे नीचे मोड़ लिया, नीचे पीछे मोड़ लिया, और ये जो दाहिना पैर है हमारा, इसको उठा करके हम ऐसे यहाँ रखते हैं बाएं घुटने के बराबर में। और इसके बाद में क्या किया हमने, जो लेफ्ट हैंड है हमारा, इसको यहाँ से निकालते हैं ऐसे, और पैर के पास तक इस हाथ को ले आते हैं, बायां हाथ, राइट हैंड पीछे की ओर, और अब हम देखते हैं पीछे की ओर। यह है अर्धमत्स्येंद्र आसन। इस आसन के करने से डायबिटीज की बीमारी नहीं होती, इससे हमारे पेनक्रियाज पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इंसुलिन बनाने का एक अच्छा रास्ता है। अगर हमको डायबिटीज की बीमारी से मुक्त होना है तो हमें इस तरह से ये अभ्यास करना चाहिए। तो इसी तरह से इसी को हम दूसरी ओर से भी करते हैं। दाहिना पैर हमने ऐसे नीचे मोड़ा, मोड़ने के बाद अब ये बायां पैर उठा करके हमने दाएं एक घुटने के बराबर में यहाँ रखा, और दाहिना हाथ ऐसे निकाला हमने इस तरह से, और यहाँ से इस हाथ को वापस पैर के पास तक ले गए, हम घुमा दिया। बचा हमारा ये लेफ्ट हैंड, इसको हम घुमा करके पीछे ले जाते हैं। अब हम पीछे की ओर देखते हैं ऐसे, इस आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये आसन कमाल का आसन है, इसे हम प्रतिदिन करेंगे तो निश्चित रूप से हम डायबिटीज की बीमारी से मुक्त होंगे। इसी के साथ साथ दूसरा आसन है जिसका नाम है मंडूक आसन। मंडूक आसन के लिए हम दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ करके बैठ जाते हैं। तो ये है वज्रासन, और ये वज्रासन शरीर को वज्र बना देता है। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हमें डायबिटीज की बीमारी ठीक करनी है तो सबसे पहले पाचन तंत्र को ठीक करना होगा। पाचन तंत्र है डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए बढ़िया आसन माना जाता है ये वज्रासन। इसको आप देख सकते हैं, हमने ये ऐसे किया है, दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए हैं, और एड़ियों को खोल करके हम ऐसे बैठ गए पीछे, और इसी में हम अब आगे और क्रियाओं को करते हैं। कोई व्यक्ति पूछते हैं कि खाना खाने के बाद में कौन सा आसन करना चाहिए, तो केवल यह आसन है जो केवल भोजन करने के बाद करना चाहिए। जब हम भोजन करने के बाद इस आसन को करते हैं तो इस आसन के करने से हमारा पाचन तंत्र बढ़िया हो जाता है।
खाना जल्दी पच जाता है, शीघ्र पचता है। इसमें अब हम करते हैं मंडूक आसन। मंडूक आसन तो है ही डायबिटीज के लिए, केवल डायबिटीज पर ही इफेक्ट डालता है। तो हम क्या करते हैं, दो मुट्ठी बनाते हैं, मुट्ठी बना करके नाभि के दोनों ओर यहाँ ऐसे लगाते हैं और अब यहाँ से श्वास भरते हैं। श्वास भरने के बाद सारा श्वास बाहर निकाल देते हैं, आगे झुकते हैं, ऊपर देखते हैं, वापस श्वास भर लेते हैं। इसके बाद फिर इसको ऐसे ही रिपीट करते हैं, 3 बार या 5 बार या 7 बार इस आसन को हम कर सकते हैं। ये मंडूक आसन करने से डायबिटीज की बीमारी पर बहुत जल्दी प्रभाव आएगा। What is diabetes? Diabetes क्या है कि आपके ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज घूम रहा है, आपके ब्लड में शुगर बढ़ गया, that is diabetes. तो जैसे यहाँ पर डॉक्टर जी, कुछ लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा वो चीनी खाने से, ये ऐसा नहीं है, इसमें ज्यादा स्टार्च है या आपके खान पान में जो गलत तरीका है। जी हाँ, तभी देखिए डायबिटीज क्या है कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आप ज़्यादा चीनी खाते हैं उससे डायबिटीज़ होगा ऐसा मॉडर्न साइंस नहीं मानती है। आयुर्वेद तो मानता है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाने से आपको डायबिटीज़ हो सकता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ये नहीं मानती। मॉडर्न साइंस ये मानती है कि आप जितना भी चीनी खाते हैं तो उसको जो प्रोसेस करने वाला मैकेनिज्म है, ग्लूकोज मेटाबोलिज्म जो कि इंसुलिन से कंट्रोल होता है, वो अगर ठीक है तो आप कितनी भी चीनी खाएंगे तो भी आपका आपकी बॉडी सारी चीनी को डाइजेस्ट कर देगी और आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, ऐसा मॉडर्न साइंस मानती है। लेकिन इनडायरेक्टली आजकल ये भी रिसर्चेस प्रूव कर रही है कि अगर आप चीनी ज़्यादा खाएंगे तो आप मोटे होंगे और मोटे लोगों को डायबिटीज़ होने की टेंडेंसी बहुत गुना बढ़ जाती है, ऐसा मॉडर्न साइंस मानती है। आयुर्वेद तो शुरू से मानता ही है कि अगर आप ज़्यादा मीठे पदार्थ खाएंगे तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। तो आज इतने वर्षों के बाद में फाइनली एक कंक्लूजन पर हम लोग पहुँच रहे हैं कि ज़्यादा चीनी खाना भी इफ़ नॉट डायरेक्टली इनडायरेक्टली डायबिटीज़ पैदा करता है। अब होता क्या है, जैसा अभी हमने बात की कि चीनी खाने से, ज़्यादा मीठा खाने से हम लोग मोटे हो जाते हैं, ऐसे ही जो हमारी बॉडी के जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको सप्लाई करने वाला जो ब्लड वेसल है वो भी चीनी खाने से, जब उसमें ब्लड में शुगर ज़्यादा रहती है तो ब्लड वेसल की दीवारें मोटी हो जाती हैं, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, बेसमेंट की दीवारों का मोटा हो जाना। और जब ब्लड वेसल की दीवारें मोटी होंगी तो ब्लड वेसल नैरो हो जाएगा, जो 100% ब्लड सप्लाई आगे जाता था अभी वो ब्लड वेसल मोटा हो गया तो वो नैरो हो गया, तो ब्लड सप्लाई आगे 50% ही जा रही है, ब्लड सप्लाई कम हो गई। जब ब्लड सप्लाई कम होगी किडनी में, आंखों में, नर्व्स में, हाथों पैरों में, हार्ट में, उससे ही डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। हमारी 2 किडनीज होती हैं, दोनों में 1-1 मिलियन सेल होते हैं, 10 लाख 10 लाख, और दोनों का वेट रहता है 150 ग्राम 150 ग्राम, ऐसा किडनी का वेट रहता है, ऐसा साइज रहता है। अब जब उनमें 10 लाख सेल्स में बाल से भी पतले 10 लाख ब्लड वेसल जाते हैं जो उन सब सेल को नरिशमेंट देते हैं, और जब ब्लड वेसल मोटा हो जाएगा तो किडनी के 1 मिलियन सेल ईच उनको ब्लड सप्लाई जाना कम हो जाएगा और वो सभी के सभी सेल धीरे धीरे मरने लग जाएंगे। उन सेल्स को मरने में 5 साल भी लग सकते हैं और हो सकता है 25 साल लग जाएं, डिपेंडिंग अपॉन योर शुगर कंट्रोल। एक बार जब डायबिटीज़ की वजह से वो किडनी के सेल मरने लग गए, देन दोज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। तो वो तो क्या है कि उसको कोई सर्जरी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसमें तो फिर आप या तो डायलिसिस करवाइए या किडनी ट्रांसप्लांट करवाइए, तो दोनों केसेज में आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बहुत ख़राब हो जाती है। तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस प्राइमरीली क्या करते हैं कि लाइफ की लाइफ स्पैन को तो कम करते हैं, आपकी उम्र तो कम होती होती है, लेकिन इससे ज़्यादा बुरी बात क्या है कि जितना भी टाइम आप ज़िंदा रहते हैं तो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़त्म हो जाती है। अभी आप डायलिसिस पे हैं, आप में अंधापन आ गया, आपका एक पैर कट गया, हार्ट अटैक बार बार आ रहा है, और इतने कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ के हो गए कि जितना भी समय व्यक्ति ज़िंदा रहता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। इसलिए अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, द ट्रीटमेंट टू ऑल द कॉम्प्लिकेशंस, सभी के सभी कॉम्प्लिकेशंस का जो बेसलाइन ट्रीटमेंट है वो तो शुगर कंट्रोल है।
हमको दो तरीके से काम करना पड़ता है। सबसे पहले तो डायबिटीज कंट्रोल को ठीक करना पड़ता है। हम ये नहीं कह सकते कि डायबिटीज की वजह से आंख खराब हो गई तो आंख का ट्रीटमेंट कीजिए, अब डायबिटीज को भूल जाइए। नो, आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो आंख का रेटिना खराब हो रहा है, वो कभी कंट्रोल नहीं होगा जब तक आप बेसिक डिफेक्ट को, डायबिटीज को ठीक नहीं करेंगे। तो हमें पहले डायबिटीज को ठीक करने के लिए आहार विहार औषध देना पड़ता है, करेक्ट डाइट, करेक्ट लाइफस्टाइल एंड सम हर्ब्स वी आर गिविंग, ताकि डायबिटीज कंट्रोल में रहे। फिर कॉम्प्लिकेशन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है। अगर आंख में प्रॉब्लम है तो आंख के हिसाब से क्या ट्रीटमेंट देंगे, किडनी खराब हो रही है तो किडनी का क्या ट्रीटमेंट देंगे, इस प्रकार से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। डॉक्टर जी, अभी आपने कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया कि पैरों में या किडनी में हार्ट अटैक, ये सब कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, तो आयुर्वेद में क्या बताया गया है, कॉम्प्लिकेशंस को कैसे ठीक कैसे किया जा सके? आयुर्वेद में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस का बहुत ही डिटेल में वर्णन है, तो उसमें उन्होंने इन्फेक्शंस भी कवर किया आयुर्वेद ने, और तृष्णातिसार दाह दौर्बल्य रोचक विपाक करके ना 10 तरह के कॉम्प्लिकेशंस बोले। तो उसमें आपका उन्होंने जो फ्लूइड इम्बैलेंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वो बोला आयुर्वेद ने। डायबिटीज कॉजेज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डायबिटीज मेक्स यू मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, उसके बारे में, इन्फेक्शंस के बारे में आयुर्वेद ने बोला। फिर आयुर्वेद ने बोला कि आपको मल्टीपल कार्बंकल्स, शरीर पर बड़े बड़े फोड़े और स्किन डिजीजेज हो जाते हैं, बिकॉज आपका शुगर ज़्यादा है तो बैक्टीरिया को वहाँ पर थ्राइव करता है, बैक्टीरिया ग्रो करता है। ये सब कॉम्प्लिकेशंस के साथ में आयुर्वेद ने ये बोला कि डायबिटीज़ में पूरी बॉडी पर इडीमा आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, जो कि किडनी फेलियर का लक्षण है। पैरों में स्वेलिंग आती है, फिर पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाता है पैरों में, फेस पे। डायबिटीज़ जहाँ पे मधुमेह की जब बात करते हैं, इसमें कॉम्प्लिकेशंस में सबसे ज़्यादा आता है जो नर्वाइन जो डिजनरेशन होती है, जिसमें पेरिफेरल नर्वाइन डिसफंक्शन और पेरिफेरल आर्टरी डिसफंक्शन, ये बहुत सामान्य रूप से हम देखे जाते हैं, जिसमें आयुर्वेद में कहते हैं कि फीट को जो है अपनी उसकी रक्षा करना, जो हर डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनके लिए फीट के लिए मसाज करवाते रहना बहुत ज़रूरी होती है। हर डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए फीट को मसाज करवाते रहना बहुत ज़रूरी है। आज हम लोग उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं पादा बहन का। आप देख सकते हैं कि वार्म ऑयल है ये, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक ऑयल यूज़ कर रहे हैं। इससे हम लोग जो है एक तरीके से अभ्यंग करे जा रहे हैं, तो इससे जो है इससे सर्कुलेशन जो होती है पैर का वो इम्प्रूव होती है। डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन में तीन तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एक तो होती है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जब जहाँ पर आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा कमजोरी पड़ती है, और नर्व्स के लिए जो न्यूरोपैथी कहते हैं, और नेफ्रोपैथी जो किडनीज़ के लिए लेटर स्टेजेस में, जहाँ पे डायबिटीज़ क्रोनिक हो जाती है काफ़ी दिनों तक, उसके बाद में जो किडनीज़ हैं दे गेट इन टू ट्रबल। तो इस वजह से ये जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ठंडापन महसूस करते हैं जो पैर में ज़्यादातर, और लैक ऑफ सेंसेशन, पैर में सेंसेशन कम हो जाती है, एक तरीके से टिंगलिंग सेंसेशन जैसे कहते हैं ना, जैसे अंगूजी, वो ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं। यहाँ पे पेशेंट्स बोलते हैं कि पैर में जो है ज़्यादातर दे फील नमनेस, उसमें ये मसाज जो होती है पादाभ्यंग जो होती है उसकी बहुत महत्व है और लाभप्रद है। किडनी फेल्योर की तो पहली पहचान ही ये है कि जब आप सुबह उठ के आप नींद से उठते हैं और जब आप वॉशरूम में जाते हैं या मिरर देखते हैं,
तो सुबह सुबह आपको अपना फेस सूजा हुआ लगता है, फूला हुआ लगता है, आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों के आसपास पानी भर जाता है। तो जब आपको ऐसा आपका चेहरा दिखे मिरर में, तो आपको डाउट होना चाहिए कि अगर चेहरे पर स्वेलिंग आ रही है तो शायद ये किडनी की बीमारी की स्टार्टिंग हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ट्रीटमेंट कैसे करना है? ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें बेसिक जो डिफेक्ट है शुगर डायबिटीज़, उसको कंट्रोल करना है। उसके लिए पेशेंट का डाइट लाइफस्टाइल हम चेंज करना पड़ेगा। और पेशेंट कभी कभी इतने वर्ष की आयु हो चुकी होती है, इतने वर्षों से बीमारी होती है, तो वो प्रिपेयर्ड नहीं होता हमारी एडवाइस को सुनने के लिए। तो ये मैं कैसे करूँगा, वो कैसे करूँगा, मैं ऐसे खाना कैसे खाऊँगा, बिकॉज उनका एक कन्वीनियंस है, उनका एक लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करना मुश्किल होता है। तो उनको बताना पड़ता है कि करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपको और बड़े कॉम्प्लिकेशंस में लेके जाएगा। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम जो बेसिक करेक्शन करते हैं डाइट में, वो है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। उस पेशेंट को बहुत थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाना होता है, बिकॉज डायबिटीज़ एक वातिक डिसऑर्डर है। आयुर्वेद में वातपित्त कफ होता है, ये वात की बीमारी है। वात की बीमारी में क्या रहता है, आपका डाइजेशन इरेगुलर रहता है, आप ज़्यादा बड़ा पोर्शन भोजन का एक साथ में नहीं पचा सकते, ऐसा आयुर्वेद मानता है। और डायबिटीज़ में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है। और वेरी इंटरेस्टिंगली मॉडर्न साइंस भी इसी को मानता है, क्योंकि जब आप थोड़ा थोड़ा बार बार खाएंगे, जितनी बार खाएंगे उतनी बार आपके पेनक्रिया से इंसुलिन रिलीज होगा, और जितना ज़्यादा इंसुलिन आपको अवेलेबल होगा ब्लड में, उतना डायबिटीज़ कंट्रोल अच्छा रहेगा। एक दिन में 40 यूनिट इंसुलिन हमको चाहिए होता है हमारी बॉडी को। बार बार खाने से नेचुरल इंसुलिन ज़्यादा बनता है और आपको दवाइयाँ कम खानी पड़ती है। डायबिटीज़ के बारे में जो सेकंड मैं डाइट के बारे में करेक्शन बताना चाहूँगा, कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करना, ज़्यादा फ्राइड भोजन नहीं करना, हाई प्रोटीन नहीं लेना, और चीनी तो बिल्कुल नहीं खाना। तो खाना क्या है, हाई प्रोटीन आपकी किडनी को डायरेक्टली डैमेज करता है। 40 साल की उम्र के बाद में आपको प्रोटीन रिच भोजन नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन जिनमें ज़्यादा मिलता है वो है अंडा, मीट, फिश, दालें और दूध। इन सब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होते हैं। सोयाबीन, इनमें प्रोटीन, सोयाबीन में तो मीट से भी ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आपको प्रोटीन में जो बहुत रिच हैं चीज़ें वो नहीं खानी हैं। लेकिन आपको बॉडी के रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए, आपके टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन चाहिए, आपके सारे जेनेटिक मटेरियल के लिए प्रोटीन चाहिए। वो प्रोटीन आपको मिल जाता है अगर आप अनाज खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। प्रोटीन के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है, प्रोटीन हर चीज़ में रहता है। तो आपको जितना प्रोटीन चाहिए वो मिलता रहेगा, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन जो प्रोटीन रिच हैं, जो प्रोटीन में बहुत रिच मटीरियल हैं, वो डायबिटिक लोगों को, स्पेशली डायबिटिक किडनी फेल्योर में और 40-50 साल की उम्र के बाद में सभी को, ज़्यादा प्रोटीन रिच चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। एंड तो खाना क्या चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाने चाहिए, फ्रूट्स जो ज़्यादा मीठे नहीं हैं, सैलेड, सब्जियाँ, जितनी सब्जियाँ आती हैं वो सब आपको ज़्यादा खाना चाहिए। फीके फ्रूट, सावर फ्रूट, या आपको गुआवा, पपाया, ये ज़्यादा खाने चाहिए। इससे आपके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत लोग सोचते हैं पपाया जो मीठा है, बहुत एक्सेसिव अगर आर्टिफिशियली स्वीटेंड है या बहुत ज़्यादा मीठा है तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन अदरवाइज पपाया, नॉर्मल मीठा पपाया आप खा सकते हैं, और वो गुआवा, अमरूद है, खट्टे फल हैं, ये आपको खाने चाहिए। जामुन तो बहुत अच्छा है, ये खाना चाहिए। जो बहुत मीठे फल हैं, जैसे आम है, बहुत मीठा एप्पल है, डेट्स हैं, गन्ना है, वो तो एकदम शुगर है, उन चीज़ों से बचना चाहिए। किडनी को जो डायरेक्टली फ़ायदा करते हैं उनमें एक हर्ब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो भोजन में मूली का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जो रेडिश है, मूली है, वो किडनी के लिए बहुत हेल्दी है, किडनी लीवर दोनों के लिए। कुछ लोग कच्चा ही खा जाते हैं। कच्चा मूली को खाइए, सैलेड में खाइए, कच्चा खाइए, आप जैसे भी उसको बना के, डिश बना के खाना चाहते हैं, जिस भी फॉर्म में मूली को खाना चाहते हैं वो आपको खाना चाहिए। बहुत फायदेमंद, बहुत अच्छी है, लिवर और किडनी दोनों के लिए मूली बहुत अच्छी है। और एक जो मिरेकुलस हर्ब है, एक जो जादुई हर्ब है डायबिटीज के लिए, उसका नाम है पुनर्नवा। डायबिटिक किडनी फेल्योर के लिए पुनर्नवा बहुत अच्छी दवाई है। और हम पेशेंट को एक बड़ा सिंपल तरीका बताते हैं पुनर्नवा के साथ क्या किया जा सकता है, कि एक दिन में 100 ग्राम पुनर्नवा ले लीजिए। एक दिन में अगर आप 2 लीटर पानी पीते हैं तो आप 3 लीटर पानी में 100 ग्राम पुनर्नवा की जड़ को डालिए। अच्छा, बॉइल कीजिए। हाँ। पुनर्नवा की जड़ आती है ऐसे घास फूस टाइप जड़ रहती है,
तो आप 3 लीटर पानी में 100 ग्राम पुनर्नवा की जड़ को डाल दीजिए, इसको बॉईल कीजिए, बॉईल करके 1 लीटर पानी उड़ा दीजिए, 2 लीटर पानी बच गया, 2 लीटर पानी को छान के भर लीजिए, तो वो थोड़ा टर्बिड सा ऐसा मटमैला सा पानी बन जाएगा पुनर्नवा की जड़ का। उसे आपको दिन भर में वही पानी पीना है, आपको कच्चा पानी, डिस्टिल्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर, मिनरल वाटर, वो सब कच्चा पानी है, वो कुछ नहीं पीना आपको, सिर्फ ये उबाला हुआ पानी जो कि आपने अपना 2 लीटर भर के रख लिया, दिन भर में उसी पानी को पीना है। उसको फ्रिज में नहीं रखना, और उसे अपने साथ बाहर भी जाते हैं तो छोटी बॉटल में लेके जाइए, रोज लेना है, रोज लेना है, डेली आपको वही पानी पीना। अगर आप पानी 3 लीटर पीते हैं तो थोड़ा पुनर्नवा की जड़ को बढ़ा दीजिए, 150 ग्राम कर दीजिए, पानी को 4 लीटर कर लीजिए, 4 लीटर को 3 लीटर में बचा लीजिए, तो उसी अनुपात में 1 लीटर के लिए 50 ग्राम पुनर्नवा की जड़, इस रेशियो में आपको पानी को उबालना है और पानी, उसी पानी को बार बार पीना है। इससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है, और डायबिटिक किडनी फेलियर जो है मोस्ट केसेस में इरिवर्सिबल होता है, वो ठीक नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत लोगों में देखा गया कि इसके जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया, ये 2 तरह के विष हैं जो कि किडनी बाहर फेंक नहीं पाते बिकॉज किडनी फेल हो रही है, तो ब्लड में इनका लेवल बढ़ने लग जाता है। क्रिएटिनिन एंड यूरिया, दे आर कॉल्ड BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। तो अच्छे डायबिटीज कंट्रोल के साथ में और साथ में पुनर्नवा का पानी पीने के साथ में कई लोगों का यूरिया और क्रिएटिनिन कम आने लग जाता है, विच इज समथिंग नॉट लेस देन अ मिरेकल। तो ये हमेशा आपको प्रतिदिन करना है। डॉक्टर जी, अगर किसी को ये किडनी फेलियर नहीं हुआ है लेकिन डायबिटिक पेशेंट है, तो ये पुनर्नवा ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव एंड प्रिडिक्टिव मेडिसिन। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे मान के चलना चाहिए कि डायबिटीज के बाद में 10-20 साल में किडनी पर असर आने लग जाता है, तो आपको किडनी खराब होने का और आपके यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने का वेट नहीं करना चाहिए, आपको पहले ही पुनर्नवा का पानी पीना शुरू कर देना चाहिए। यहाँ तक कि जिसको डायबिटीज नहीं है उसे भी जो है कभी कभी सप्ताह में एक बार ये पुनर्नवा का पानी पीना चाहिए ताकि उनकी किडनी और हेल्दी रहे, तो ये सभी के लिए लाभकर है। डॉक्टर जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम यही आशा करते हैं पिछले प्रोग्राम में और लेकर इस प्रोग्राम में हमारे जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उन लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिली हैं। तो डॉक्टर जी बहुत धन्यवाद हमारी ओर से, नमस्कार। तो दर्शकों, यहाँ पर आयुष प्रोग्राम हम समाप्त कर रहे हैं, और हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी जानकारियाँ मिली ये डायबिटीज़ बीमारी के बारे में, और हम यही आशा करते हैं कि आप डॉक्टर जी के बताए जो सलाह वो दे रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उस पर आप अमल करेंगे, फॉलो करेंगे और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। तो हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक आयुष प्रोग्राम में। हमारी ओर से नमस्ते।